हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं मतलब मैं बता ही देती हूँ, अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ आर्मी कैंट के अंदर, क्योंकि मेरी लड़की का छुट्टी है। तो मेरी लड़की एक ही बार मतलब एक भी बार उनके घर नहीं गई थी। तो मेरी फ्रेंड बोली थी उसी लड़की का जब दशहरा छुट्टी होगा तो मैडम आप उसको लेके आना। तो आज मैं जा रही हूँ और दिन भर हम वहाँ रहेंगे, क्या मस्ती करेंगे, कैसे दिन पूरा टाइम बिताएंगे, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी और आर्मी कैंट भी दिखाऊँगी आप लोग को। और अभी बज रहे हैं 10:30, अभी हम माँ बेटी दोनों निकल रहे हैं। शाम को सीधा डायरेक्ट, शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा दूर है, मेरे घर से 12-13 किलोमीटर दूर है और आर्मी कैंट से बाहर आने नहीं देंगे, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए 6-6:30 बजे तक हम लोग आ जाएंगे और अभी निकल रहे थे। तो उनके घर में दिन भर रहेंगे और सुबह का मैं सारा काम कर ली हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर ली। और मेरा लड़का का तो हाथ में जो फ्रैक्चर आया है तो वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो घर पे ही रहेगा। उसके लिए मैं खाना बना के, लंच बना के मैं जा रही हूँ और हम माँ बच्चे अभी ब्रेकफास्ट करके अभी माँ बेटी निकल रहे हैं, मेरा लड़का घर पर रहेगा। तो आज दिन भर का रूटीन क्या क्या है आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अभी रास्ते में आप लोग को दिखाऊँगी, मैं जा रही हूँ आर्मी कैंट भी दिखाऊँगी वहाँ पहुँचने के बाद। तो फिर फ्रेंड चलते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ आप मुझे बताना। अभी मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने फ्रेंड के साथ दिन भर बिताऊँगी। तो आप कमेंट्स में बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है, आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, नया खरीद के रखी थी। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मैं जाके आती हूँ और वहाँ जाके आर्मी कैंट के अंदर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं आर्मी कैंट में जाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो अभी 12 बजे आधे घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड आप लोग हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में ये सीन देखे होंगे, क्योंकि ये रोड के बगल में ये मंदिर कॉलेज है तो इतनी सुंदर लगती है। मैं हर बार वीडियो बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब दो जन कैंटीन में जाते हैं तो वीडियो बन जाती है, जब अकेले जाती हूँ तो खुद ड्राइव करके जाती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और महीने में एक बार या 1.5 महीने में 1 बार चली जाती हूँ कैंटीन। तो आप लोग कई बार ये वीडियो में ये रोड ये वाला नज़ारा देखे होंगे। और अभी हम आर्मी कैंट के अंदर एंट्री हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आर्मी कैंट कितना सुंदर है, रोड के दोनों साइड इतना सुंदर लगता है, इतने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, साफ़ सुथरा रहता है, एकदम पॉल्यूशन फ्री है, कोई शोर शराबा नहीं, गाड़ियों का साउंड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। जब भी मैं आती हूँ तो मुझे बाहर जाने को मन ही नहीं करता, मन करता है कि काश यहाँ पे क्वार्टर मेरा होता। फ्रेंड्स ये मेन गेट से, आर्मी का जो मेन गेट होता है वहाँ से क्वार्टर थोड़ा दूर में ही है और ये समुंदर को लग के है हमारा आर्मी कैंट। तो अंदर भी एक समुंदर बीच है जो आर्मी वाले उसको मेंटेन करके बहुत अच्छे से सजा के रखे हैं। और वहाँ पे हम लोग शाम को जाएंगे, अभी तो दिन का 12 बज रहा है, तो अभी मैडम के घर में जाइए रेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा फौजी थे, बोले कि आपको क्वार्टर पता है बाहर का, तो गोपालपुर बीच हम लोग देखे।
और फ्रेंड अभी मैं अपने मैडम के ब्लॉग में आके पहुंच चुकी हूँ, अपनी फ्रेंड के ब्लॉग में क्वार्टरों में। ये उन्हीं का ब्लॉग है और शायद इस ब्लॉग में मुझे तो इतना मैं इतना इनके ब्लॉग में ध्यान नहीं दी हूँ। इनके ब्लॉग में शायद 6 या 8 क्वार्टर होंगे, मुझे लग रहा है 8 क्वार्टर होंगे। और मैडम का फर्स्ट फ्लोर में है और ये उनका क्वार्टर है और अभी हम पहुंच चुके हैं उनके पास। फ्रेंड्स मेरी ये जो फ्रेंड है मेरे पास भी एक दो बार आई है और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे इनको। इनके साथ मैं शॉपिंग की थी, शॉपिंग वाला ब्लॉग बनाई थी। तो ये मेरी फ्रेंड मेरे पास भी 2 बार आ चुकी है और मैं भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ और इनके क्वार्टर में भी मैं एक बार वीडियो बनाई थी और ये सेकेंड टाइम है। फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड की किचन है और किचन की खिड़की से मैं बाहर का क्वार्टर से आप लोग को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं क्वार्टर के पीछे भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि क्वार्टर के आगे पीछे ये बाय ऑर्डर होता है साफ़ सुथरा रखने के लिए। पेड़ पौधे साई बोल रही थी मामा ये क्वार्टर तो हमारा बबीना जैसा है लेकिन ये पुराने हैं। और बबीना में क्या पूरा नया नया बना था, उसी टाइम बनी थी ना बिल्डिंग। हाँ पूरा नया बना था। और ये कब का बना है, ये उधर थे ना जो बबीना में भी उधर चल जाते थे शॉपिंग करने। नहीं गए कभी? नहीं गए? नहीं नहीं आंटी गई है। बालू तो बालू। हाँ बालू से नहीं दिया। नहीं नहीं बालू की बात कर रहे, बीच में क्या होता है, बालू ही तो होता है ना। है ना मैडम? शाम मतलब दिन में कहीं पे भी जा सकते हो, एक फौजी फैमिली। हाँ। शाम को दिक्कत हो जाती है, छोड़ती ही नहीं। दोनों साथ में खा लेना ठीक है। खाना खा, उसको खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। अच्छा है इसके लिए घी खाना क्यों होगा, तो आ जाऊंगी। अच्छा रहेंगे क्वार्टर में? हाँ। चलो ठीक है। और अब बताओ आप कब आओगे मेरे क्वार्टर में, मेरे घर में? अब तो कुछ पता ही नहीं है। मामा को बोलना कि हमें लेके चलो गीता आंटी के घर, ठीक है? ठीक है। बोलो बस 2 दिन में स्कूल खुल जाएगा और जल्दी आ जाओ, ठीक है? ठीक है। और तेरी मामा आ गई। ये चप्पल मम्मी के मुझे पूरी आती है। मामा का चप्पल ना? तुम्हारा पैर बड़ा होगा, मामा का तो एकदम छोटा छोटा पैर है। हाँ मुझे बोल रहे ना आंटी आप आ जाओ, मैं ब्लॉग ब्लॉग बोल रही ना, मैं समझ नहीं पा रही। हाँ पता नहीं और क्या देख रहे हैं, सीसीटीवी लगा है। चल निकल निकल। इसीलिए हेलमेट चाहिए होता है ना।